एवरीबडी, गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यू आर वॉचिंग ट्रैवल ऑन व्हील्स विद अभिषेक एंड ज्योति। तो यार, दिस अवर डे 4 एट श्रीनगर एंड परसों गुलमर्ग, कल सोनमर्ग होने के बाद टुडे वी आर गोइंग टुवर्ड्स पहलगाम। तो यार, पहलगाम इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस एंड वहाँ हम लोग इनिशियली चल रहे हैं बताप वैली। तो बताप वैली तो आपको सबको पता ही होगा कि कश्मीर का सबसे सुंदर वैली है। तो कश्मीर में आओ, कहीं जाओ नहीं जाओ, बताप वैली जाना तो यार कंपलसरी है। तो चलो, टुडे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बताप वैली। तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है तो कार को अभी कोल्ड स्टार्ट देते हैं। लेट्स सी, जल्दी स्टार्ट करते हैं, चलो लेट्स हेड ऑन। तो यार, सुबह सुबह आज हल्का फुल्का स्नोफॉल भी हुआ था, अभी पिघल तो गया है। तो यार, हम चल रहे हैं टुवर्ड्स पहलगाम विच इज़ 93 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर एंड इट वुड टेक अराउंड 2 आवर्स। कल रात को हल्का फुल्का स्नोफॉल तो हुआ था, वही यहाँ लोकल्स बोल रहे थे, वी जस्ट हैड अ वर्ड विद देम, बट हमने एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। बट कोई नहीं, गाड़ी ने एक्सपीरियंस कर लिया, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। एंड मोर ओवर, अभी रुक के कहीं बीच में ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद चलते हैं टुवर्ड्स पहलगाम। यहाँ से हम लोग एप्पल का जूस पी रहे हैं। ओ, ये पल्प आ रहा है, देखो ज्योति। कितना गिलास है? 2 गिलास पीते हैं। विल ट्राई फर्स्ट। क्या प्राइस है जूस का? 50। फ्रेंड निकलेंगे और फल। तो दिस रूट इज़ लीडिंग टूवर्ड्स पहलगाम एंड यहाँ एक बहुत अच्छा स्टोर है जहाँ कि आप एप्पल जूस पी सकते हो एंड यहाँ एप्पल फार्म से इनका। तो आपको अगर एप्पल भी लेना होगा तो हियर इट्स अवेलेबल, तो इट्स रियली चीप हियर। तो आप आराम से, इन केस यू आर कमिंग हियर, तो आप एप्पल लेके जा सकते हो। और यहाँ बहुत कुछ अवेलेबल है, एप्पल का जैम, एप्पल का पिकल, सब कुछ अवेलेबल है। दिस इज फ्रेश एप्पल जूस, ट्राई कीजिए। मस्त है, मस्त। ना एप्पल जूस, तो लेट्स ट्राई। ये जो पराठा वराठा से खाते हैं ना, कैसा चटनी है क्या? नहीं, ये एप्पल जूस इतना ज्यादा अच्छा लगा तो वी आर टेकिंग वन मोर जूस। ये हैं भाई कश्मीर के एप्पल्स, तो वहाँ हम पैक करवा रहे हैं और पापा और मैं पैक करवा के ले रहे हैं एप्पल्स। और ये है एप्पल के बगान। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं और हमने एप्पल्स खरीद लिए हैं। तो वी हैव फाइनली रीच्ड पहलगाम। तो यार, पहलगाम आके ये दो प्लेस डेफिनेटली मत मिस कीजिएगा। पहला है बताप वैली एंड सेकंड इज चंदनवाड़ी। तो इनिशियली हम लोग का प्लान ये था कि हम लोग बताप वैली जाएंगे, वहाँ घूम फिर लेंगे एंड फिर चंदनवाड़ी जाएंगे। एक्चुअली बताप वैली नीचे है और चंदनवाड़ी बहुत ऊपर है, तो वहाँ स्नोफॉल होने की चांसेस हैं।
तो राइट नाउ वी हैव थॉट कि हम लोग अभी इनिशियली विल गो टू चंदनवाड़ी एंड उसके बाद आफ्टर मे बी ए कपल ऑफ आवर्स 2-3 आवर्स के बाद फिर हम लोग आएंगे बताप वैली। तो चलो लेट्स हेड ऑन टू चंदनवाड़ी फर्स्ट। तो यार यहाँ हर प्लेस का अलग ही खूबसूरती है। वी हैड बीन टू गुलमर्ग, वी हैड बीन टू पत्नी टॉप, वी हैड बीन टू सोनामर्ग या फिर आप सोनमर्ग भी बोल सकते हैं। तो यार हर किसी का ब्यूटी अलग है। तो अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिप रखना चाहते हैं तो हेड टूवर्ड्स श्रीनगर, देन आप गुलमर्ग करके ख़त्म कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा एक लंबा ट्रिप करना चाहते हो तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप पहलगाम जैसे भी आइए और एक दिन ही आप स्पेंड भी कर सकते हो। एंड सोनमर्ग तो यार ऑफ कोर्स, और इससे भी आप लंबा करना चाहते हो तो यस पटनी टॉप इज़ द मतलब वन ऑफ द बेस्ट अमेजिंग ऑप्शंस। तो यार आप देख लो आपका कितने दिन का प्लान है क्या है। तो आई एम थिंकिंग टू मेक अ कंप्लीट ट्रिप का मेरा जो वीडियो है वो मैं बनाऊंगा कि वो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और कहाँ आप कैसे कर सकते हो, आपका ट्रिप प्लान कर सकते हो। अगर ये ट्रिप आप प्लान कर रहे हो अपनी कार से या फिर आप सेल्फ ड्राइव करना चाहते हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक स्नो चेन हैंडी रखिए, बिकॉज यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप स्नो चेन रखिए या फिर आप इनकेस 4x4 या कुछ मतलब केपेबल कार में आते हो तो ऑफकोर्स दैट्स नॉट एन ईशू। और एक बात आपको ये बोल दूँ कि गुलमर्ग एंड सोनमर्ग का रास्ता थोड़ा सा मतलब ट्रिकी हो सकता है इनकेस स्नोफॉल है, और पहलगाम का एक ट्रिकी पार्ट ये है कि बहुत सकरे रास्ता है, तो इनकेस ट्रैफिक बढ़ गया या फिर आमने सामने से गाड़ी आ रही है तो स्किड होने का बहुत चांसेस है। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा नैरो रोड है, तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड और आप अपना स्किल्स देख लो, वैल्यूएट कर लो, फिर आप आओ ऐसे रास्ते में। यहाँ के टर्निंग स्पेशली बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। एक में तो आपको रोड बहुत पतले हैं और दूसरे ये क्या है कि ये टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ, तो आप देख सकते हो आसपास बहुत सारे कार पार्क्ड होते हैं। तो एक में नैरो रोड, एक में आपको कार पार्क्ड मिलेगा, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर सामने से कोई कार आ रही है तो यार हो गई मतलब। सो एज सून एज यू रीच द लोकेशन ट्राई करो जल्दी से जल्दी कार पार्क कर लो एंड आप थोड़ा सा वॉक करके चले जाओ, सो आपको एक एक्स्ट्रा कन्वीनियंस रहता है। बहुत ही पतली रोड है, रिवर्स करने में बहुत दिक्कत हो सकती है। एंड अभिषेक ने वहाँ गाड़ी पार्क की है पर हम लोग थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा सा चौड़ा रोड है। भाई यहाँ रूट्स में पूरा बर्फ़ है, तो यहाँ तक गाड़ी तो यार अभी अलाउड नहीं है। भले हमारे पास तो स्नो चेन हम ला सकते थे बट दिस गाइस डेंट अलाउड, और वही बोल रहे थे कि आप पैदल चल जाओ या फिर आप लोग स्लेज भी लेके जा सकते हो। तो स्लेज में जाने का तो यार मन नहीं था बिकॉज बहुत स्लेज यूज़ कर लिए, तो नाउ वी आर थिंकिंग वी शुड गो बाई वॉक। तो यार यहाँ बहुत स्किड कर रहा है, तो कुछ ऐसे स्लेज में भी आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो हमने बहुत बार स्लेज में बैठे हैं तो अभी और मन नहीं कर रहा, तो वी थॉट ऑफ गोइंग बाई वॉक। मैं तो यार स्नो बहुत सारा है रोड में, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इधर गेट योर स्नो शूज लाइक अस या फिर यहाँ गम शूज भी मिलते हैं तो शुड बी अ प्रॉब्लम। गिरा भाई
भाई ये तो अलग ही व्यू है, मतलब पूरा रास्ता भर स्नो ही है। रोड्स आर टोटली कवर्ड विद स्नो, द रोड्स आर रियली वेरी गुड एंड यही रोड इज लीडिंग टूवर्ड्स अमरनाथ केव्स। तो आप लोग को अमरनाथ जी का दर्शन करना है तो मे बी आफ्टर मे जो भी रास्ता खुलता है आप जा सकते हो। एंड दिस इज द ब्यूटिफुल व्यू फ्रॉम द टॉप। स्नोफॉल हो रहा है 100% है, देख सकते हो कौन से लेवल पे वहाँ मौसम बदल रहा है दैट पार्ट एंड दिस पार्ट। यहाँ भी स्नोफॉल हो रहा है बट वी आर जस्ट वेटिंग कि हम लोग का यहाँ कब होगा, बस यहाँ तो भाई बहुत ज़ोर से बर्फबारी हो रही है, अब यहाँ होने ही वाली है कज। अब देख सकते हो बहुत सारे ब्लैक क्लाउड्स आ गए हैं, वहाँ तो हो रहा है मुझे लग रहा है वो ऊपर। तो यहाँ तो यार बहुत ज़ोरों शोरों से बर्फबारी हो रही है बट यहाँ हम लोग के प्लेस से समवेयर अराउंड 2 to 3 kilometers और दूर है। अगर हम बहुत ऊपर आ चुके तो और चलने की हिम्मत नहीं है बट वी बिलीव कि यहाँ भी हो सकता है बिकॉज यहाँ भी अभी क्लाउड्स तो हाई है। तो देखो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी बर्फबारी चारों तरफ शुरू हो गई है, देखो वहां तो बहुत जोरों शोरों से हो रही है। यार हम वो नीचे से ये पूरा क्लाइम करके आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्लाइम कर लिया नहीं हम लोग। एंड यहाँ आप देख सकते हो क्या सुंदर पानी यार, बहुत ही क्लीन वाटर यार। वहाँ तो हैवी स्नोफॉल हो रहा है, बस वही कि यार जल्दी से जल्दी यहाँ हो जाए। क्लाउड्स थोड़े से स्कैटर्ड हैं, तो उसका पीछे वाला पहाड़ देखो अभी दिख ही नहीं रहा है, ये वाली है ना, इसके पीछे और एक पहाड़ था जो कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, वो दिख भी नहीं रहा है। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यहाँ से बस और 38 किलोमीटर से अमरनाथ जी का मंदिर और हम हैं अनंतनाग में। तो यहाँ तो आप देख सकते हो हर जगह बर्फ है, फिल्ड विद स्नो। तो यार स्नोफॉल हल्की फुल्की शुरू हो गई है, अगेन इट्स स्टार्टेड। तो जस्ट वी आर होपिंग बहुत ज़ोर से बस हो जाए बिकॉज क्लाउड्स तो यार भर के हैं, अलग लेवल का चिल्ले। अभी यहाँ -3 degrees है। तो फाइनली यार स्नोफॉल हो रहा है एंड इट्स रियली हैपनिंग। यार फाइनली यहाँ स्नोफॉल हो रहा है। ज्योति कैसे लग रही है? फाइनली स्नोफॉल हो रहा है, फाइनली हम स्नोफॉल देख रहे हैं। यस। तो यार अभी ऊपर से वही बोल रहे हैं कि बहुत जोर से बर्फबारी होने वाली है,
तो हम लोग अभी नीचे तरफ जा रहे हैं टूवर्ड्स आ पार्किंग। तो फाइनली हम लोग बर्फबारी एक्सपीरियंस कर रहे हैं यार। यार कौन सी लेवल की स्नोफॉल हुई आप देख लो। अभी गाड़ी आ गई है स्नो हटाने वाली। इतनी लेवल की स्नो हटा रही है। तो यार फाइनली वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस। तो यार फाइनली स्नोफॉल हो ही गई एंड बहुत ज़ोरों की स्नोफॉल हो रही है यार। ये कब से मन था कि यार कश्मीर आए एंड स्नोफॉल हो जाए। तो दिस इज समथिंग अमेजिंग। बहुत बर्फबारी होने के बाद गाड़ी भी आ गई है। स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने के बाद वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बताप वैली। अब बताप वैली यहाँ से एक्चुअली हम लोग अनंतनाग में थे तो ऑलमोस्ट 2 to 2.5 किलोमीटर्स है। तो दिस इज द ब्यूटिफुल रोड विच इज हेडिंग टूवर्ड्स बताप वैली। थोड़ी सी स्लिपरी हो गई है बिकॉज अभी अभी स्नोफॉल हुआ है एंड उतना ज़्यादा वाला नहीं था तो रोड पूरा भींग भी गया है। यार अब तो हम नीचे आ गए हैं बट ऊपर रोड्स में आपने तो देखा ही होगा कितना ज़्यादा बर्फ था। तो यहाँ शायद हल्के फुल्के ही हुए हैं नीचे बट यार ऊपर बहुत मस्त वाली बर्फबारी हुई है एंड थैंकफुली अभी सन वापस आ गई है सो दैट आप लोगों को मैं बहुत अच्छे फुटेजेस दे सकता हूँ। यहाँ के बच्चे भी मस्त एकदम मस्त इंजॉय कर रहे हैं स्नोफॉल का। करते हैं यहाँ एक्चुअली एक पार्किंग एरिया है तो आप मस्त कार पार्क करो और घूम के आ सकते हैं। तो यार यहाँ एडल्ट का एंट्री फी है 100 और चिल्ड्रन का है 50। तो यह है बताप वैली। अभी अपन चल रहे हैं, हमने अपना टिकट्स ले लिया है। डैड शो मी द टिकट्स। तो दीज आर द टिकट्स हमने ले लिए। अगर हुआ तो देखें। तो अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर।
यहाँ का टाइमिंग है 7 AM to 8 PM, तो आप प्लान कर रहे हो तो 8 बजे से बस पहले आ जाना। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2022 का है ये, तो अभी बहुत जल्दी 2023 का भी स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप किसी को भी अमरनाथ जी का यात्रा कर सकते हो तो आप ये नंबर ले सकते हो एंड यू कैन कॉन्टैक्ट देम। एंड ये है बेताब वैली, जिसका हमको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। यार ये वही रिवर है जो हमको अनंतनाग से दिख रही थी, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दिस रिवर इज़ एक्चुअली अमेजिंग, नहीं ज्योति, इट्स सो क्लियर। और यहाँ फिशिंग पॉइंट भी है, इन केस आप लोगों को फिशिंग का मन है तो आप वहाँ जाके फिशिंग कर सकते हो। ये जंगल के करेक्ट, और ये अंदर भी देखो, जंगल के अंदर भी कितने सारे बर्फबारी हुई है। नहीं, ये नदी का नाम है शेषनाग, तो ये आती है अमरनाथ जी के यहाँ से और मिलती है झेलम में। अब देख सकते हो कितना ही ज़्यादा सुंदर पानी है, इट्स सो क्लियर। तो यार हम लोग को मैप्स में दिखा रहा था कि बेताब वैली क्लोजेस एट 12, बट हम लोग ने तो डेफिनेटली रिस्क लेके हम लोग आए गए, और आने के बाद ये पता चला कि यार ये क्लोज़ होती है शाम को 8 बजे, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप लोग आओ आराम से, शाम को भी आ सकते हो 4, 5, 6 बजे तक, इट्स नॉट एन इशू, 8 बजे तक भी रह सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो इट्स क्लोजेस्ट बाई 8 PM। बेताब वैली इज सच अमेजिंग प्लेस, इन केस यू आर कमिंग टू कश्मीर, बेताब वैली आना प्लीज मत भूलना। मतलब यहाँ आके तो यार ऐसा लगता है दिस इज सीरियसली सच एन अमेजिंग प्लेस। अगर हम लोग का एक्चुअली आज लास्ट डे है श्रीनगर में, तो टुमारो वील हेड टूवर्ड्स दिल्ली। तो यार वी हैड बीन टू गुलमर्ग, सोनमर्ग एंड और क्या गए, अनंतनाग, तो बहुत कुछ प्लेसेस घूमने के बाद नाउ वी आर इन बेताब वैली। तो ये भी यार अलग ही खूबसूरती है कश्मीर का, तो इट्स अ ब्यूटीफुल वैली। तो आप देख सकते हो चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड बहुत ही सुंदर। हम लोग दोनों घूम के आप लोग को एक बहुत ही बढ़िया सा वॉक अराउंड दे रहे हैं। ज्योति ने तो 360 भी कैप्चर किया है, तो वील शो यू दैट एज वेल। तो चलो लेट्स गो एड एंड आपको दिखाते हैं हाउ ब्यूटीफुल इट इज़।